नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लगातार सियासी बवाल दिखता नजर आ रहा है। ऐसे में राज ठाकरे को लेकर जो खबर सामने आई है उससे महाराष्ट्र में और ज्यादा माहौल खराब हो सकता है। जी हाँ, दरअसल खबर सामने आई कि राज ठाकरे की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अब लगातार उनके भाषण की जांच होती नजर आ रही है। इससे पहले भी राज ठाकरे की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हां, साल 2008 के समय राज ठाकरे ने भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कदम उठाए गए थे। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि राज ठाकरे की गिरफ्तारी अगर होती है तो सीधा महाराष्ट्र में बवाल मचने की आशंका दिखाई दे रही, क्योंकि मनसे यानी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को तो खुली चुनौती दी है। वही साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर राज ठाकरे को गिरफ्तार किया जाता है तो अंजाम बुरा भुगतना होगा। राज ठाकरे जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटना चाहिए, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4 तारीख को वो दोगुनी आवाज में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो सीधे तौर पर राज ठाकरे ने जो फैसला कर लिया है, राज ठाकरे ने जिस तरह से कदम उठाया है, वो सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे की धमकी के बाद उद्धव ठाकरे के भी पसीने छूटते नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र में हालात खराब ना हो इसके लिए उद्धव ठाकरे लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या वाकई राज ठाकरे की गिरफ्तारी होती है, और राज ठाकरे की गिरफ्तारी होती है तो मन से क्या कुछ कदम उठाता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।